अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से खंडी कट गई, जिसमें हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया और तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई कराई, जिसके बाद खंडी का कटान रोका गया तो आगे की फसल बचने में कामयाब हो गई। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है गाँव में? साहब नुकसान से बहुत, तो हजारों बीघा जमीन चली गई। जो पानी आरो आरो दिखाई रहो जी, जो और पानी नहर तक है जमीन, जो तो नहर ज्यादा है ना पैसा जो जरूर दिखा। तो कैसे ये नुकसान हुआ? बहुत नुकसान तो सुबह ही आलू साहब आए। कैसे हो गया, कैसे हुआ नुकसान? नहर फट गई चट ही, ज्यादा पानी ओवर होने से जाल रुकी थी ज्यादा, वो चलो गो जो जाल पे कर्मचारी और जाल बंद करेगा, पानी आ ऊपर से ज़्यादा, वो पानी ज़्यादा होने से या कमजोर थी तब फट पाई। अच्छा, लापरवाही है इसमें? हाँ लापरवाही है, लापरवाही नहर विभाग के कर्मचारियों। हाँ कर्मचारी डीएम साहब आए, एसडीएम साहब। हाँ, नाम क्या आपका? नाम क्या है? बदल लाल। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान साहब हुई है, हजारों बीघा मेरी जमीन चली गई नहर के कारण, नहर के खंडी कटने के बाद साहब ये काम ऐसे हुए ना, अब हम साहब किसी काम के नहीं रहे, क्या करने चाहिए साहब? गांव में साहब निकले मिलाए काम। शुगर सिंह जी, आपके गांव में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है जल भराव से, कैसे ये दिक्कत पैदा हुई, अब क्या है पूरी बात? दिक्कत साहब यहाँ से भाई है कि ये नहर विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये जो है मतलब तीनों हमारे यहाँ बम्बा जो छूटे हैं वो सारे बम्बा बंद थे और नहर ज़्यादा ओवर आई, इसलिए साहब जगह पे जगह पे साहब नहर फट गई है, इसलिए हमारे गाँव में बहुत लंबा नुकसान हुआ है। और लगभग कितने बीघा जमीन होगी? हजारों बीघा जमीन, आलू लहसुन सरसों गेहूं, हमारे ज्यादा गेहूं नष्ट हो गई फसल। सूचना मिली थी कि ये गांगसी में ये इटावा ब्रांच वाली जो नहर बहती है इसकी पटरी पे कटान हुआ है, ज्ञात करने पे पता लगा कि इसमें रात में कुछ पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया था, ओवरफ्लो था, इसके कारण पानी पटरी के ऊपर से बहने लगा और कहीं कहीं पे जो कुलावे थे उनकी चौड़ाई इस कारण कटने के कारण बढ़ गई, इस कारण फसल में पानी बह गया है, काफ़ी फसल में नुकसान हुआ है और लेखपाल के माध्यम से हम सर्वे करवा रहे हैं। इसमें मौजा गांगसी है और कुछ भाग विधुना का है और कुछ भाग कुचेला का है, ये तीन मौजे हैं जिसमें गांगसी का ज़्यादा भाग प्रभावित हुआ है, कुचेला का, विधुना का छोटा पार्ट प्रभावित हुआ है, उसका हम तीनों ही लेखपालों से सर्वे करा रहे हैं और नियमानुसार जो भी देय होगा वो संबंधित विभाग से। मतलब कितने बीघा होगी, कितने बीघा सर फसल है? ये अभी सर्वे चल रहा है, अनुमानित सर के हजारों में है, लगभग हो सकता है कि लगभग हजार के आसपास, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते क्योंकि सर्वे की कार्रवाई। एसडीएम साहब से मेरी बात हुई थी, हजारों बीघा बता रहे थे। हाँ हाँ, हो सकता है सर, एग्जैक्ट फिगर सर्वे के बाद ही पता लगेगी। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।